हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज फ्रेंड्स हम आज बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के विषय पे, जो कि आपका 1 नवंबर की इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कैसे आपको रणनीति बनाना है, कैसे माध्यम से आपको तैयारी करके अच्छा अच्छा यहाँ पे स्कोर करना है, और कैसे माध्यम से हमें पढ़ाई करना है, सिलेबस में क्या दिया गया, इसको ये सब पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 1 नंबर को जो कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए जो कि आपको एक तो रणनीति बनाना है और कैसे माध्यम से आपको पढ़ाई करना है, यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन आपको 1 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। तो विशेष वहाँ पे यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है वहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट में कि कैसे तैयारी करना है, क्या सिलेबस में है और कितना इसको पढ़ाई करना है। तो मुश्किल से 18 से 19 दिन बचे हैं आपका नोटिफिकेशन आने के लिए। इसके बाद आपका CGSI है, उसके बाद आपको तैयारी में लग जाना है। सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस सेम ही है आपका SI और उसका। बाकी यहाँ पे सिलेबस देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का, तो यहाँ पे विशेष चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे CGPSC परीक्षा 2022 में यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर आपका प्रीक होता है, जिसमें आपका प्रीक एग्ज़ाम में जो कि आपका फर्स्ट पेपर पेपर 1 में आपका सामान्य ढंग से पूछा जाता है, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 होती है, जिसमें कुल मार्क्स आपका 200 अंक का रहता है। जो एग्ज़ाम का परीक्षा अवधि आपका 2 घंटे मिलता है इसके लिए, और इसमें 1/3 आपका माइनस मार्किंग होता है। इसके बाद पेपर 2 में आपका जो कि रुचा या एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह रहता है, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन रहते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ी और इसमें लैंग्वेज वगैरह इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या इसमें भी आपकी 100 रहती है, जो इसमें कुल मार्क्स आपको 200 मिलता है। इसमें जो परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 घंटा मिलता है, और इसमें 1/3 इसमें जो कि इसमें माइनस मार्किंग रहता है। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं आप जो 200 नंबर के यहाँ पर कुल मार्क्स रहते 2 घंटे 1/3 वहाँ पर माइनस मार्किंग रहती है। और वो पेपर 1 और पेपर 2 इसमें पेपर रहते हैं, जो कैंडिडेट नए हैं उन लोग देख सकते हैं। सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे विशेष चर्चा करें सिलेबस पे। तो आपके CGPSC प्री में आपके 2 पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम होगा, तो पेपर 1 पहले आपका, फिर पेपर 2 दूसरा होगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा। तो यहाँ पे CGPSC जो भाग 1 में सामान्य ढंग से जो कि प्रश्न आता है, यहाँ से जो कि 50 प्रश्न आपका सामान्य जो कि अध्ययन से आते हैं भाग 1 में। तो यहाँ पे भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, और तीसरा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और चौथा में भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद भारतीय दर्शन, कला संस्कृति एवं साहित्य एवं संस्कृति, इसके बाद समसाई घटना एवं खेल, जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट आपका, तो आपको सिलेबस अगर समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा और एग्ज़ाम दिलाना होगा, इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो सिलेबस समझ जाएंगे आपको तो क्या क्या पढ़ना है, यह नहीं जानेंगे तो आपको पढ़ने कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, जो कि 8 टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के समान ज्ञान। तो आप छत्तीसगढ़ से कुल 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल जिसमें जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन का केंद्र, और इसके बाद थर्ड में छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां, और चौथा आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियों विशेष परंपराएं, उनके त्यौहार, तीज एवं त्यौहार के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना होगा, जो उसमें कृषि और वन के बारे में उसको पढ़ना होगा। इसके बाद छठवा छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे आपको पढ़ना होगा, इसमें स्थानीय एवं पंचायती राज वगैरह सबको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के ऊर्जा, उद्योग, जल, खनिज संसाधन वगैरह दिया रहेगा सिलेबस में। इसके बाद 8वां में आता है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएँ, जो करंट में आपसे हुए रहेंगे, करंट अफेयर्स में जो कि वर्तमान में समसामयिक घटनाएँ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 8 टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, यहाँ से जो प्रश्न की संख्या यहाँ पे 50 यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप उसमें GK और इसमें छत्तीसगढ़ टोटल 100 नंबर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आप
इसके बाद आएगा आपका जो कि CGPSC परीक्षा पत्र का आपका सेकंड पेपर में, तो सी सेट कहा जाता है इसको। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो आपका संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल और आपका तार्किक तर्क विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, और आपका सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, और इसमें जो कि सामान्य गणित कौशल, और कक्षा 10वीं के लेवल पे जो कि यहाँ पे पूछा जाएगा, और आंकड़ों की व्याख्या जिसमें चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि स्तर पर कक्षा 10वीं के हिसाब से आपसे जो कि पैटर्न पर पूछा जाएगा। इसके बाद हिंदी भाषा ज्ञान में जो कि स्तर 10वीं के जो कि सिलेबस पे आपसे हिंदी भाषा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, इसका आपको जानकारी होना चाहिए जो कि आपसे यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है हिंदी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 8 टॉपिक में यहाँ पे पूछा जाएगा सी सेट में आपको, जो कि सेकंड पाली में जो कि पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया प्री का, अब आपको पढ़ना है मेंस का। मेंस में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए CGPSC मुख्य परीक्षा में, जो कि यहाँ पे 7 पेपर होंगे मेंस में, और सभी पेपर जाओ के आपके सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि सभी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि आपका जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे CGPSC मेंस में, और इसमें 7 विषय होंगे जो कि मुख्य परीक्षा है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका पेपर देख, तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा, पेपर का नाम और कुल मार्क्स, और आपको परीक्षा का अवधि यहाँ पे दिए, तो आप पेपर वन इसमें भाषा का पेपर होगा, और इसमें जो 200 नंबर का रहेगा, और परीक्षा का अवधि आपको 3 घंटे इसमें दिया जाएगा। सारे जो पेपर आपका जो कि सभी पेपर सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो पेपर वन भाषा का पेपर 2 घंटा 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 200 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद आएंगे पेपर टू में, तो आपको इसमें निबंध लिखना है, इसमें आपको 200 नंबर का रहेगा, इसमें भी आपको 3 घंटे दिया जाएगा, निबंध पत्र है आपको सेकंड पेपर। इसके बाद थर्ड पेपर में आएंगे तो इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन से आपको थर्ड पेपर है, इसमें आपको 200 मार्क्स के रहेंगे, और 3 घंटे इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर थ्री में। इसके बाद देखते हैं पेपर फोर में, तो विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, जिसमें 200 मार्क्स रहेगा और 3 घंटे इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो पेपर फोर में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं पेपर फाइव में, तो भूगोल और अर्थव्यवस्था से, भारत से यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें 200 मार्क्स रहेंगे और 3 घंटे इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पेपर सिक्स में, तो इसमें गणित और तार्किक क्षमता से यहाँ पे पूछा जाएगा पेपर सिक्स में, तो इसमें 200 मार्क्स और 3 घंटे इसको आपको जो कि इसमें भी टाइम दिया जाएगा। और पेपर सेवन है आपका समाजशास्त्र और दर्शन, इसमें आपको 200 मार्क्स और 3 घंटा आपको इसमें भी जो कि टाइम दिया जाएगा। समाजशास्त्र और दर्शन आपका पेपर सेवन है, तो पेपर वन भाषा का पेपर, दूसरा आपका निबंध हो जाएगा, तीसरा आपका इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन, और चौथा हो जाएगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आपका चौथा हो जाएगा, और पेपर पाँच आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था, और पेपर सिक्स हो जाएगा गणित और तार्किक क्षमता, और पेपर सेवन है आपका समाजशास्त्र और दर्शन से। यहाँ पे आपको सारे जो पेपर रहेंगे 200 मार्क्स के रहेंगे, और परीक्षा की अवधि 3 घंटा सभी सब्जेक्ट के लिए आपको दिया जाएगा टाइम। तो आपको मेंस को भी ध्यान में रख के चलना है, और जितना से ज़्यादा ज़्यादा हो सके रिवीजन करते चलिएगा, ताकि आपको आपके माइंड में डेवलप हो सके और साथ ही आपको याद रहे। इसलिए मेंस को भी ध्यान में रख के चलना है, प्री के साथ मेंस को भी जो कि पढ़ते चलना है। यहाँ पे जो कि सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, 7 पेपर यहाँ पे होंगे, जो कि सभी आपका 200 नंबर का रहेगा, जो कि इसमें 3 घंटे सभी सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम दिया जाए। तो यहाँ पे कुल 7 सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें जो टोटल जो मार्क्स रहे टोटल 7 विषय का 1400 इसमें मार्क्स हो जाएगा, तो 1400 टोटल नंबर का आएगा आपको, 7ों पेपर 1400 रहेगा इसमें अंक। तो ये थे आपके सिलेबस मेंस का, यहाँ पे आपको CGSI के बाद सीधा प्री का, जो कि आपको सभी आपका क्वेश्चन CGSI के बाद आपको CGPRI के बाद इस तैयारी करने स्टार्ट कर दिया जाए, सारे आपके एग्जाम के पैटर्न पर जो कि आपको तैयारी कराया जाएगा। CGSI का पेपर आपका 6 नवंबर है, इसके बाद आपका पेपर जैसे होते ही आपको CG
का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आप अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपका अभी CGSI का इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगा, इसके बाद आपका CGPSC प्री का आ जाएगा। और जिन कैंडिडेट नए होंगे उन जो कि सिलेबस को बहुत ही समझना इम्पोर्टेंट है देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थे CGPSC पे कुछ शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नोटिफिकेशन देने के लिए बनाया था वीडियो, क्योंकि साथ ही साथ इसको भी लेके चलना है। इसके बाद आपको 1 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन CGPSC का। तो यहाँ पे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।